हे यू गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग यू गाइस, क्योंकि अभी सुबह है इसलिए मैं आपको गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ। और 9:30 बज रहे हैं और मैं थोड़ी देर पहले नींद से उठी हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दूसरा ब्लॉग। और इस ब्लॉग में ना बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। घर पे पूजा है, जो जीतिया पूजा है, जो नॉन बंगाली लोग हैं उन लोगों को पता होगा, पूजा लगभग आ ही चुका है, तो उसकी भी शॉपिंग हम लोग करने जाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अच्छा सा ही रेसिपी भी शेयर करूँगी। पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम सामान बिखरा पड़ा हुआ है। पीछे में ये पेंटिंग का काम चल रहा है इसलिए हालत घर की थोड़ी सी ख़राब है। आपको मैं और मम्मी थोड़ा सा बाहर भी जाएंगे, देखेंगे क्या क्या नया चीज़ आया है मार्केट में, तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिए। मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फटाफट अपना ब्रेकफास्ट मैं पहले ख़त्म कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है मैगी, और मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ सारे वेजिटेबल्स एक साथ देके मैगी बनाना। और ये है फ्लैक्सीड पराठा, ये कभी कभार मैं खाती हूँ अगर मुझे पराठा खाना होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरी गुड़ वाली चाय, और दैट्स इट, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, जल्दी से मैं ख़त्म कर लूँगी। गाइस वेलकम बैक, और मैं आ चुकी हूँ किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नॉन वेज रेसिपी, मतलब फ़िश रेसिपी, और बहुत ही इजी रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपको दिखा देती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, सो कीप ऑन वॉचिंग। और ये मछली में बनाने वाली हूँ बैंगन और आलू से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जो माछेर झोल बोलते हैं बंगाली में। और ये रुई मछली है, इसको मैंने हल्दी और नमक डाल के जस्ट हल्का फ्राई करके रख दिया। प्याज, लहसुन, जीरा, साबुत जो जीरा होता है वो सब डाल के मिक्सी में मैं थोड़ा सा मसाला बना लूँगी। यहाँ पर इलायची और दालचीनी इस मसाले पर डाल दूँगी, हल्का हल्का मैं फ्राई करूँगी, जो कच्चा जो एक स्वाद होता है वो टेस्ट चला जाएगा। उसके बाद सारे सब्जियों को डाल के मैं इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद, सारे सब्जियां जब अच्छे से हो जाए उसके बाद मैं इन पे एक ग्लास जैसा मैं पानी डाल दूंगी। उसके बाद मछलियों को डाल के दो हरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, और दैट्स इट, मेरा मछली एकदम बन के रेडी हो गया। एक बॉल में निकाल लूँगी और जल्दी जल्दी खाना खा लूँगी क्योंकि मुझे शॉपिंग के लिए बाहर भी जाना है। और इस मार्केट में जो हम लोग गए थे, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे दामों में मिल जाता है, जैसे बैग से लेके, कुर्ती से लेके, सारी चीज़ें। स्ट्रीट शॉपिंग भी हम लोगों ने करी, उसके बाद हम लोगों ने कुछ सामान मॉल से भी खरीदा। और यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, साड़ी से लेके, मेकअप के सामान से लेके, सैंडल से लेके, सब कुछ। शॉपिंग करने के बाद हम लोग को लग गया भूख, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा समोसा और मिठाइयाँ मिलता है। घर के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा ले लिया, और मैं और मम्मी हम लोग बैठ के वहाँ पे समोसा और मिठाइयाँ खाते हैं। वेलकम बैक एंड गुड आफ्टरनून। अभी 12 बज रहे हैं घड़ी पे एंड दिस इज सेकंड डे। कल आप लोगों ने देखा कि हम लोग बाहर गए थे, हम लोगों ने शॉपिंग की, कुछ चीज़ें हम लोगों ने मीशो से मंगवाया, तो इसके वजह से हम लोगों ने यहाँ से ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको जल्दी से फटाफट दिखा देती हूँ। मैंने लिया ये वाला साड़ी, आप देख सकती हो, ये एक्चुअली मैंने ये सोच के लिया कि मैं भी पहन सकती हूँ, मेरी बहन भी पहन सकती है, मेरी मम्मी भी पहन सकती है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर साड़ी है। ये होल बॉडी में ऐसा मतलब हाउस वगैरह बना हुआ है, नीचे ऐसे एलिफेंट्स बने हुए हैं, ये होल बॉडी में ऐसा ही वर्क किया हुआ है। और ये थोड़ा सा शिफॉन टाइप जो साड़ी होता है ना, वैसा साड़ी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और सिल्क जो होता है वैसा भी मिक्स किया हुआ है, तो इसलिए मुझे ये साड़ी बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने लिया ये वाला कुर्ती, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया, सुबह अंजलि वगैरह देने के लिए मुझे लगता है एकदम परफेक्ट है। डिज़ाइन किया हुआ है सामने, यहाँ पे नेक पे ऐसा करके डिज़ाइन किया हुआ है, और होल बॉडी में आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा करके पिक्चर्स बने हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ हाउस वगैरह ऐसा दिया हुआ है। तो और ये कॉटन का है, प्योर कॉटन का है, इसे मैंने ये वाला ले लिया क्योंकि कंफर्टेबल है। ये एक्चुअली में स्लीव है, लेकिन जो साड़ी है ये 530 में मैंने ये वाला लिया, इसका 650 था, इसलिए हम लोगों ने बार्गेनिंग करके ये वाला लिया। और ये जो कुर्ती लिया है ये मैंने 250 में लिया, कुर्ती मैंने मॉल से लिया 350 में शायद, मैंने हाँ 350 में मैंने लिया, और मुझे लगता है सही है, एकदम सिंपल सा कुर्ती है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसी मॉल से मैंने लिया ये वाला सूट का कपड़ा, एक्चुअली इसमें चुन्नी नहीं दी हुआ है, ये अलग से लेना पड़ता है। और ये आप देख सकते हो, ये ज़्यादा सुंदर है, ग्रीन में दिया हुआ है, रेड
यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है, और यहाँ पे मतलब जो पैंट्स होता है उसका भी कपड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब पूरा रेड है ये, और ये प्योर कॉटन का है इसलिए मैंने ले लिया। और मुझे ज़्यादातर ऐसे कपड़े खरीदना ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से बना सकती हूँ इसलिए मैंने ये ले लिया। और ये 600 था, इसलिए मैंने थोड़ा सा 30% डिस्काउंट था तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। आप देख सकते हैं आई हैव दिस वन, इस ड्रेस ने तो मेरा पूरा दिल ले लिया, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये गोल्डन का काम किया हुआ है, और ये जो काम किया हुआ है ना, ये इतना सुंदर तरीके से काम किया हुआ है, गोल्डन पर्ल जैसे लगे हुए हैं, और नीचे भी ऐसा सेम काम किया हुआ है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसका जो नेक का काम है ना, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया, आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने मॉल से नहीं लिया, ये जो रास्ते में दुकान लेके बैठते हैं ना, शॉप लेके बैठते हैं, तो उन लोगों से मैंने लिया। ये शरारा पैंट लिया इसके साथ मैचिंग करके, ये सिंपल सा ऐसे गोल्डन काम किया हुआ है, और ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। क्वालिटी दोनों का बहुत ही अच्छा है। 300 का था, मैंने ये 250 में लिया, और ये जो शरारा पैंट है ये ये 300 का था, ये भी मैंने बहुत बार्गेनिंग करने के बाद 200 में लिया, तो मेरा कम बजट में ये दोनों हो गया। इसे बहुत दिनों से ऐसा कुछ चाहिए था इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। देन आई हैव दिस 3 बैग्स, मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोगों ने 3 बैग लिया, और मम्मी ने ये गोल्डन वाला बैग लिया, ये भी काफ़ी सुंदर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही प्रिटी बैग है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, और ये थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे अंदर से ऐसे जिप मिल जाते हैं, और अंदर भी एक जिप मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो सामने से पर्ल दिया हुआ है, इसलिए ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। देन मेरी मम्मी ने ये वाला पर्स लिया, लुक एट दिस, मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लगा, ये क्लच भी बोल सकती हूँ, वो बहुत ही प्रिटी है, यहाँ पे भी अंदर से ऐसे मतलब बटन जैसा मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐसा चेन दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा पेपर वगैरह है, और यहाँ पे ऐसा चेन दिया हुआ है, पीछे आपको कोई चेन नहीं मिलेगा, और सामने भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सा ऐसा मतलब हैंडल वाला ऐसा मिल जाएगा, तो सामने से दिखाती हूँ, बहुत ही प्रिटी बैग है, मुझे काफ़ी पसंद आया। एक बार मैंने अपने लिए लिया ये वाला, ये आपने वीडियो में भी देखा होगा, ये देख के मेरे को पसंद आया, यहाँ पे एक लॉक मिल जाएगा, और यहाँ पे मतलब डिज़ाइन के लिए दिया हुआ है, या कोई कागज़ वगैरह भी मैं रख सकती हूँ, और यहाँ पे एक जिप मिल जाता है, एक चेन मुझे मिल गया जहाँ पे मैं सब कुछ कागज़ वगैरह कैरी कर सकती हूँ, और इसमें ये मतलब स्लिंग बैग है, ऐसा बेल्ट दिया हुआ है, तो मैं अच्छे से इसको कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ, सारे ड्रेस के साथ ये चला जाए। बोल देती हूँ इनका प्राइस, यू विल नॉट बिलीव इट गाइस, ये मुझे 500 में मिल गया, क्योंकि हम लोगों ने 3 खरीदा, और जो ये स्ट्रीट में जो ऐसे शॉप लेके बैठते हैं ना, तो उनके वहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हो, क्योंकि जितने भी चीज़ें हैं उन लोग बस लेके बैठे बैठे, अच्छा चलो जिनको लेना है वो लेके जाए, तो कोई 3 बैग ले रहा है, कोई 4 ले रहा है, इसके वजह से ना बार्गेनिंग करने में थोड़ा सा सही रहे, तो इतनी खुशी हो गई कि भाई 500 में हमें 3 बैग मिल गया, एक बैग ही अच्छे से नहीं आता है, और यहाँ पर 500 में 3 मिल गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने शॉपिंग करी है, और बाकी जो चीज़ें क्या मीशो से हम लोगों ने मंगवाया वो मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करी। अभी फ़िलहाल मेरे को काम है, वो सारा काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि शाम को पूजा है, मैं जाके काम ख़त्म करती हूँ और शाम को वेबसाइट में मिलती हूँ। गाइस वेलकम बैक, और आप मुझे देख सकते हो मैं अच्छे से रेडी वेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि 4 बजने को है। एक सिंपल सा कुर्ती पहना है, एक कॉटन का कुर्ती पहना है, क्योंकि अपने घर पे पूजा है, पर इतना क्या सजना सवर। पूजा ना एक्चुअली नदी के किनारे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आस पड़ोस में कहीं पे दूर दूर तक नहीं है, तो हम लोग छत पे ही कर लेते हैं, एक बड़ा सा कढ़ाई सामने दे के वहीं पर हम लोग पूजा कर लेते हैं। चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी कैसे पूजा करती है, तो लेट्स गो। यहाँ पे मेरी मम्मी नहा के सारा जो प्रिपरेशन है वो करेंगी, पहले जो घट होता है उनको अच्छे से सजा के, उसके बाद एक गले का जो जीतिया जो पहनते हैं गले पे वो अच्छे से डेकोरेट करके करेंगी, उसके बाद सिंदूर लगा के थोड़ा सा चावल फूल डाल के
अगरबत्ती और दिया जला के बस सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। ये पूजा बहुत ही हार्ड होता है, बिना जल बिना खाना खाए पूरा दिन रहना पड़ता है, कुछ भी नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट डे खाना बना के उसके बाद भगवान जी को चढ़ा के उसके बाद खाया जाता है। फैमिली के लिए किया जाता है कि घर पे सुख शांति रहे। गाइस वेलकम बैक, और अभी जाऊंगी मैं थोड़ा सा सोने, मेरे आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दो तीन दिन से मैं इतने अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ। वीडियोस है जो मेरे को एडिट करना है और वो देना है, उसने के बाद मैं जाऊँगी थोड़ा सा टेलर के पास, मेरे को ड्रेस देना है। ऑफकोर्स मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, डोंट वरी। तो फिलहाल मैं सोती हूँ, उसके बाद मैं उठती हूँ, उसके बाद मैं आपसे आके मिलती हूँ। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। और मैं नींद से उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होके मैं टेलर के पास आई, मैं वो वाला क्लिप शूट करना भूल गई, अपना ड्रेस मैं दे के उसके बाद मैं घर चली गई। अभी फ़िलहाल अभी ये है कि बहुत काम था वो भी मैंने ख़त्म कर लिया है, और हम लोग को अभी मन नहीं कर रहा कि कुछ खाना वाना बनाओ, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेंगे, रात का डिनर यही कर लेंगे। और हम लोगों ने दो पिज़्ज़ा मंगवाया, तो हम लोगों ने सोचा पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ इतना झमेला भी नहीं होगा खाना वाना बनाने का। देर में ये पिज़्ज़ा आ जाएगा और मैं आपको दिखाऊँगी भी कि मैंने कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और आप देख सकते हो हमारा पिज़्ज़ा आ गया, और हम लोगों ने ऑर्डर किया था स्मोकी पनीर पिज़्ज़ा, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ये जो सॉस था ना एकदम स्मोकी फ्लेवर दे रहा था, तो बहुत ही अमेजिंग पिज़्ज़ा था। गाइस वेलकम बैक, आप मुझे देख सकते हो, मैं अच्छे से फैशन अप हो चुकी हूँ, अभी जाके थोड़ा सा शांति मिल रहा है। इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरे घर पे आज बना है बहुत सारा खाना, क्योंकि पूजा के बाद वाले दिन चढ़ाना पड़ता है भगवान जी को, तो इसलिए मतलब बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। सो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर पे क्या क्या आइटम्स बना है, और मेरे को बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तो मैं जाके खाना खाती हूँ। सारा खाना मेरी मम्मी ने बनाया है, ये मिक्स वेजिटेबल, इसमें पनीर वगैरह सब कुछ डाल के बनाया। ये कच्चू का फ्राई है, अरहर दाल है, उसके बाद यहाँ पे करी है, उसके बाद चटनी है, और इसको बोलते हैं माँ का प्रसाद। इसमें चावल से लेके सारे सब्जियाँ नींबू सब कुछ डाल के मम्मी सानती है, उसके बाद खाते हैं हम लोग, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। गाइस वेलकम बैक, और मैं एक्चुअली थोड़ा काम में बिजी हो गई थी, तो इसलिए मैं और आप लोगों से बात नहीं कर पाई। डोंट जज मी फॉर दिस लुक, क्योंकि अभी मैं ये आप पीछे से देख रहे हो डेकोरेट किया हुआ है। मेरे को नवरात्रि का एक दो शूट कम्प्लीट करना है। इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। सो आप लोगों को अगर आज का ये ब्लॉग पसंद आया, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड देयर इज अ स्मॉल बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन, सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन आई पुट एनी ऑफ द वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।